गूगल मैप्स 8 फरवरी 2005 में लॉन्च हुआ था, वहीं एप्पल मैप्स सितंबर 19, 2012 में लॉन्च हुआ था। गूगल मैप्स एंड्रॉइड और iOS दोनों पे चल जाता है और ये प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। वहीं एप्पल मैप्स एक्सक्लूसिवली सिर्फ एप्पल स्टोर पे ही अवेलेबल है और ये सिर्फ आईफोन्स, आईपैड्स और एप्पल वॉचेस जैसे डिवाइसेस पे ही वर्क करता है। एप्पल मैप्स का लुक्स काफी फ्लैट होता है और इसके टेक्स्ट और सिम्बल्स काफी छोटे होते हैं, जिसे आप इजीली नहीं देख पाएंगे। वहीं गूगल मैप्स में ज्यादा लोकेशंस की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और इसके आइकॉन्स भी काफी बड़े और आई कैची है। एप्पल मैप्स के स्पेशल फीचर्स का नाम है फ्लाईओवर मोड, जिसको इनेबल करने से मैप 3D लैंडस्केप में बदल जाता है और सारे बिल्डिंग्स के मॉडल्स और स्ट्रक्चर्स शो करना शुरू कर देता है। वहीं गूगल मैप्स के स्पेशल फीचर्स का नाम है ऑफलाइन एक्सेस, जिसे यूज करने से आप बिना वाईफाई या डाटा के मैप्स को डाउनलोड करके ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। 2018 में एक मंथ में करीब 154.4 मिलियन लोगों ने गूगल मैप्स यूज किया था। वहीं एप्पल मैप्स को लगभग 23.3 मिलियन लोगों ने यूज किया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।